हेलो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा यूट्यूब पे। और ये देखिए, अभी हमारी गाड़ी है ऊपर खड़ी और हम आए हैं बांजबगड़ से ऊपर बंगाली रोड पे घूमने के लिए। और हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं बुरांस। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बुरांस हो रखे हैं। और ये देखिए, आप लोग को मैं दिखाती हूँ, ये तोड़ रहे हैं मुकेश चंद शर्मा जी। और ये मुक्की बुरांस के पेड़ में चढ़े हुए हैं और काफ़ी ऊंचाई से ये बुरांस तोड़ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी बुरांस यहाँ से तोड़ तोड़ के नीचे फेंक दिए हैं। ये देखिए, इतने सारे बुरांस तोड़ दिए हैं। और यहाँ तो हम अभी इतना ही तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ मौसम होने वाला है ख़राब बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं और कल सुबह हम लोग जाएंगे कांडे स्कूल की तरफ, तो वहाँ से हम पूरा बुरांस तोड़ के लाएंगे। वहीं आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं कांडे की सड़क पे गांव के लिए। ये पीछे से उधर की रोड पर नजर है, वो नंदानगर घाट वाली रोड है। नंदानगर घाट वाली रोड है वो सामने कबेड़ा गांव दिख रहा है। और वो घाट को ये रास्ता जाता है, ये कांडे की रोड। और ये स्कूटी चला रहे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ। और आप धीरे धीरे देखेंगे, काफी अच्छा नजारा है यहाँ का और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाके। ये हम आ गए हैं नौना गांव। ये ऊपर नौना गांव दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर गांव है, छोटा सा। यहाँ पे चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा है। अब हम धीरे धीरे मोला गदेरे की तरफ को जा रहे हैं। आगे आएगा मोला और जहाँ से बैरासून जाने का रास्ता है। और सामने दिख रहा है सुनीति गांव, का है। हम मोला पहुंचने वाले हैं। हमारी गाड़ी की स्पीड है, काफी हाइट पे हम चल रहे हैं। और सामने जो गांव दिख रहे हैं वो है सेमा चाका। बांज एंड ब्रांस एंड चीड़ का जंगल, यहाँ का काफी जंगली जानवरों का भी डर रहता है। हम पहुंच चुके हैं मोला गदेरा में। यहाँ पे से जाते हैं बैरासकुंड मटई और एक रास्ता जाता है कांडई। चुके हैं स्कूटी चला के चढ़ाई में, थका नहीं हो, इसको ठंडा लग गया जो वीडियो बना रही है। और ये है सामने जो ये नई सड़क कटी है, ये है कमेड़ा गांव, सोनी गांव टॉप में। और ये हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये नीचे यहाँ से नौना गांव दिखाई दे रहा है। उस समय हम नीचे की सड़क पे थे, हम धीरे धीरे ऊपर आ चुके हैं। और ये जो गांव दिखाई दे रहा है छोटा छोटे, ये है धमकी धार, ये भी कांडई के अंदर ही आता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा धूप का नज़ारा, इसका नाम सूर्यनगर भी है। और ये है आज के वाहन चालक मुक्के उर्फ मुक्के चंद शर्मा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं कांडे गांव। और ये हम स्कूटी से जाएंगे जो मेरे घर से पड़ता है 25 किलोमीटर। वहाँ पे मेरा स्कूल है। और हम आज नए ब्लॉग के साथ सुबह सुबह 8 बजे हम घर से निकले थे। अब देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। ओके, मिलते हैं आगे। ये है सूर्यनगर, छोटा सा गांव, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे सभी कन्याल बंधु रहते हैं। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। बुरांस के जंगलों में देखो कितने टाइप के बुरांस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये गुलाबी है, लाइट पिंक है, एक रेड है, सुंदर सुंदर बुरांस। अब ये पूरा घनघोर बुरांस का जंगल मिलेगा हमें। ये जानवरों ने मार रखा। आगे हमको सुंदर सुंदर और बुरांस दिखाई देंगे। चलो चलते हैं।
रहा है बैरास कुंड महादेव, और उधर दिख रहा है पगना, और ये हम धीरे धीरे कांडे की तरफ को प्रस्थान कर रहे हैं, पहुंचने वाले। ये देखो दो टाइप के बुरांस, कलर कलरफुल, ये सुंदर। इधर है लाल, उधर है पिंक। यहाँ पे पूरा बुरांस का ही जंगल है। इस बार काफी बर्फबारी होने के कारण से पूरे बुरांस अच्छे से खिल गए हैं। कोई भी पौधा ऐसा नहीं जिसे बुरांस नहीं आए। और ये हम पहुंच चुके हैं, हम फाइनली पहुंच चुके हैं कांडे गांव। वहां से घूमने वाली पगना भी रोड जाती है। सामने दिख रहा है पगना गांव, जंगलों के बीच में घिरा हुआ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और फाइनली हम लोगों ने बुरांस तोड़ दिया है, और ये हमारा कट्टा भर चुका है। अब हम वापसी को जा रहे हैं, बहुत ही थक गए हम। आपको धीरे धीरे वापसी करते हुए यहाँ का दृश्य दिखाते हुए जाएंगे। अब हम वापसी कर रहे हैं कांडई गांव से। अभी हम ऊपर कांडई में ही हैं। चलो चलते हैं आगे, वापस जा रहे हैं हम। फाइनली हम लोगों ने ग्रास तोड़ लिया है, बहुत है हमारे पास ग्रास से तोड़ लिया है, उससे बदली है। तो अब गाइस आगे आपसे मिलते हैं, आगे चलते हैं चरी। ये हम आ गए हैं चरी एंड चोपड़ा कोट गांव में। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अभी हम वापसी में दूसरे रास्ते आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा रास्ता हमें ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो ये हम अभी आप पहुँचे हैं चोपड़ा कोट गांव में। इधर ही लोदला चरी, आगे आपको खुनाना दिखाएंगे। चलो चलते हैं धीरे धीरे। और अब हम पहुँच चुके हैं माणखी गांव में। ये है माणखी गांव। इतने दूर से बच्चे स्कूल आते हैं। सुंदर है नजारा, काफी खेतों के बीच में एक गांव है। सीढ़ी नुमा खेत होते हैं यहाँ पे, और तो ये नीचे दिख रहा है, ये है चमतौली गांव दिख रहा है। चमतौली नीचे जो दिख रहा है वो चमतौली गांव दिख रहा है। सामने बारू दिख रहा है, भोग बारू। फाइनली माणखी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम दुकान से थोड़ा बहुत कुछ लेंगे, हमको काफ़ी भूख लग चुकी है क्योंकि हमें 1:30 बज गया है। ये गांव के बीच से ये सड़क जाती है। जो सामने दिख रहा है वो है लामसोड़ा गांव। हम लामसोड़ा की तरफ को जा रहे हैं, माणकी क्रॉस कर चुके हैं हम। एक घनघोर है बुरांस है बांझ का जंगल, और यहाँ पे काफी बर्फबारी भी होती है बर्फ के सीजन में, क्योंकि ये काफी हाइट पे है। और यहाँ से पीछे का मैं आपको दिखा देती हूँ, माणकी कांडे सब दिख रहा है यहाँ से। अभी जो रास्ता है काफी जंगलों के बीचों बीच निकल रहे हैं। गांव दिख रहा है वो बारू गांव है, बारू काफी टॉप में है वो गांव। और ये है नीचे फेरा अमेरा। आगे मिलेंगे हम कांडा गांव, लुंत्रा गांव। हमने हिमालय की रेंज के बराबर ही हम लोग हैं अभी। और नीचे का जो सुबह का रास्ता था हमारा वो नीचे है। ये आया खुनाड़ा गांव, ये है सुंदर सा खुनाड़ा गांव। सुंदर दृश्य, और ऊपर है रोड के ऊपर है लामसोड़ा। ये लामसोड़ा के लिए रोड गई, यहाँ से ऊपर हम जाएंगे नीचे की तरफ।
क्योंकि हमने नीचे घर को जाना है, हमारी सड़क नीचे वाली है। और ये सामने ऊपर है लामसोड़ा और नीचे है खुनाना और ऊपर है हिमालय की रेंज। ये यहाँ का सुंदर नज़ारा। ये हम धीरे धीरे नीचे को आ रहे हैं ढलान में, खुनाना गांव की तरफ को। यहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है, प्रोजेक्ट नहीं हुआ लग रहा है। और ये ऊपर है लामसोड़ा, यहाँ पे भी हम लोग की काफ़ी रिश्तेदारी रहती है। और ये हम लगभग हिमालय रेंज के लगभग नियर है। हमारे कांडा गांव, तल्ला कांडा या मल्ला कांडा, और वहाँ पे काफ़ी स्लाइडिंग वाला एरिया है। धीरे धीरे इधर को हम लोग जा रहे हैं। कह रहे थे कि हम सुनने में आया था कि इस बार काफ़ी बन गया है रास्ता। ये देखो ये कितना खतरनाक जोन है यहाँ पे। यहाँ पे इस बार लग रहा है खड़ूचे बिछा दिए, पत्थर लगा दिए। खतरों के खिलाड़ी हो रखे हम। डेंजरस जोन है। ये देखो इतना खतरनाक रास्ता है। ये है कांडा गांव के ऊपर खुनाना के बैक साइड। अब ये है कांडा गांव, कांडा गांव नीचे रह गया है। हम जाएंगे धीरे धीरे लुंत्रा गांव में, तो चलो चलते हैं लुंत्रा गांव। और ये सामने जो दिख रहा है नीचे घाटी में, वो घाट ब्लॉक है। ऊपर है उस्तोली गांव, सरपानी गांव, और नीचे जो घाटी में दिख रहा है वो घाट है, अंदा नगर घाट। और जो सामने दिख रहा है वो है कुंडवगढ़, सूंग, लवाणी, रामणी, और नीचे है कुरुड़ गांव, नंदा देवी का गांव। ये हम पहुंच चुके हैं लुंत्रा गांव में। और हम धीरे धीरे घर की तरफ को। ये सुंदर नज़ारा है दोस्तों लुंत्रा गांव का। और उधर सामने है लवाणी, सोम, बोटा, मतकोट। आगे चलते हैं नंदा देवी के गांव में। ये हम फाइनली लुंत्रा गांव में पहुंच चुके हैं। ये इतना बड़ा है लुंत्रा गांव, काफ़ी लोग यहां पे रहते हैं। ये दुकानें यहां की, अभी खाना खाने का टाइम चल रहा है तो इसलिए अभी सब खाना खाने गए हैं, इसलिए दुकानें बंद हैं। यहां की सीढ़ी नुमा खेती देखिए कितनी सुंदर। हल के द्वारा ही लगता है, वो हल पे ही लगाते हैं, बैलों पे ही लगाते हैं, उसको चपटा रहता है, उसको घींचते हैं खेतों में। और ये सामने जो दिख रहा है ये नंदा देवी का गांव है। ऊपर जो ग्रीन शैडो में है वो नंदा देवी मंदिर है। विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है, नंदा देवी धाम यहीं पर स्थित है। मैं और बाकी बहने सब जगह है नंदा देवी की। और जो गौरा देवी थी माता की बहन, वो मायके में ही रहती है, तो उनका मायका यही सामने है। ये जो दिखाई दे रहा है नंदा देवी, इस गांव का नाम है कुरुड़ गांव। और सामने उसके ऊपर है मतकोट। हम धीरे धीरे कुरुड़ गांव में जाएंगे। चलो हम अब कुरुड़ गांव की तरफ को जाते हुए, यहाँ पे बरसातों में काफ़ी बड़ा झरना आता है, इस समय सूख चुका है। ऐसी पहाड़ी से यहाँ पे रोड़े कटी हुई है। अब
अभी हम टॉप में ही हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे अब। इसके बाद गुरुड़गांव से डाउन हम लोग हो जाएंगे। एक्स आर्मियों वाला एरिया है यहाँ पे, एक्स आर्मी का सर्वेंट है वो यहाँ पे, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना बना रखा है। वही है वो, हम पहुँच गए फाइनली कुरुड़गांव में। नदी पार थी अपन, अब हमने नदी क्रॉस कर ली है, हम नंदा देवी के गांव में आ गए हैं। ये सामने है आर्मी एरिया, काफ़ी सुंदर इन लोगों ने बना रखा है। ये हम फाइनली कुरुड़गांव में आ चुके हैं दोस्तों, हमने कुरुड़गांव क्रॉस कर लिया है। सामने कुरुड़गांव, सुंदर सा बहुत बड़ा गांव है ये। सामने है जहाँ से हम आए थे वो लुंत्रा, ऊपर टॉप में चले गया है। अब हम जा रहे हैं नंदानगर घाट, घाट में हम जाएंगे। नंदानगर नाम नया नाम पड़ गया है नंदा देवी की वजह से, घाट का विकास नगर का नाम नंदानगर हो गया है। गए हैं फरकेत गांव में। ये फरकेत गांव है, फरकेत घाट से जुड़ा हुआ। ये हमने फरकेत गांव भी क्रॉस कर लिया है, अब हम जा रहे हैं नारंगी गांव। ये सामने जो दिख रहा है नारंगी गांव दिख रहा है, यह मेरा मालाकोट भी है। नारंगी गांव की तरफ जा रहे हैं, तो हम फाइनली नारंगी गांव में भी पहुंच चुके हैं। ये नारंगी गांव आधा ऊपर सड़क के नियर है। मामी जी मेरे ऊपर रहती है नीचे। ये गांव को जाने की सड़क है, नारंगी गांव को जाने की। ये है नारंगी गांव छोटा सा। हेलो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं घाट की तरफ। हमने नारंगी गांव भी क्रॉस कर लिया। ये है नागबगड़ कुमारतोली, ये है नंदाकिनी नदी। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुमारतोली गांव। हम धीरे धीरे मार्केट पहुंचने वाले हैं, इसके बाद हमारा छोटा सा मार्केट आएगा नंदानगर घाट का। चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो अब फाइनली हम नंदानगर घाट मार्केट में आ चुके हैं और थोड़ा ही देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। हमारा थोड़ा मार्केट में काम है, उसके बाद हम घर जाएंगे। चलो। हेलो दोस्तों, हम फाइनली घाट पहुंच चुके हैं और हमारा थोड़ा काम हो गया है, थोड़ा काम रह गया है। ये हमारी घाट की छोटी सी मार्केट। अब हम जाएंगे सीधे घर को, दोनों को काफ़ी भूख लग रही है हमें, बहुत काम किया हम लोगों ने। चलो। लो दोस्तों, अब हमने घाट मार्केट भी क्रॉस कर लिया है। दिख रहा हुआ है सैती गांव, सैती जो गांव है वो मेरा गांव है और हम लोग इधर ही रहते हैं कुंतरी गांव में। ये हमारे घर जाने का रास्ता, हम 300 मीटर की दूरी में रह गए हैं घर से। जूस के लिए पुरांस लेके आ चुके हैं, काफ़ी हमने पुरांस तोड़ी है आज। अभी हम आपको घर में जाके दिखाएंगे कि हमने कितनी पुरांस तोड़ी है। ये हमारा गांव कुंदनपुर सैती गांव।
और जस्ट अब मेरे इस घर के बाद मेरा घर आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये है मेरा घर, हमारी गाय। हेलो दोस्तों, ये हमारे इतने सारे बुरांस, हम इतना बुरांस तोड़ के लाए थे आज, बाप रे। हम इसका बनाएंगे जूस। फाइनली हम लोगों ने बुरांस छाट लिया है, दो बार पानी से धोया और काफी इससे गंदा निकला था धूल, और इसको धोना पड़ता है और काफी दो तीन बार धोना पड़ता है। और ये फाइनली इसको हमने अब चूल्हे में रख दिया और ये पक रहा है, और धीरे धीरे हम आगे की प्रोसेस में बताएंगे कैसे हमने बनाया। चलो आगे को बढ़ते हैं। और हमारा ये बुरांस इस तरह से उबल गया है और इसको अब निकाल रहे हैं, और ऐसे इसको छानना है डबल छन्नी के साथ। अब इस तरह हमने ये ब्रास को उबाला काफ़ी देर तक, और इसने वही कलर छोड़ दिया था, और इसको धीरे से निकाल के, काफ़ी गर्म है ये, इसको डबल छन्नी हम लोग कर रहे हैं। ऊपर से एक छन्नी है, नीचे से कपड़ा है कॉटन का, और नीचे उसका रस निकल रहा है। तैयार हो जाता है और हम चीनी के चास के साथ इसको डिब्बों में भर लेते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। थैंक यू।